दर्शकों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एचएमसी हॉस्पिटल की एक खास पेशकश जिसमें डॉक्टर व्योम भार्गव आपके साथ न्यूरो से संबंधित अलग अलग बीमारियों पर आपको बेसिक जानकारी देंगे, जिससे बीमारी शुरू होते ही आपको पता चल जाए। कहते हैं स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। अगर हमें बीमारी का समय रहते पता चल जाता है तो हम बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनसे हम पैसे के साथ साथ अपनी अमूल्य सेहत को बचा ले जाते हैं, जिसको किसी भी पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। दर्शकों, सबसे पहले हम स्वागत करते हैं डॉक्टर व्योम भार्गव का। दर्शकों, मैं डॉक्टर व्योम भार्गव, मैं न्यूरोसर्जन हूँ। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला आम इंसान के लिए, आम आदमी के लिए, जिसको न्यूरो की बहुत सारी बीमारियों के बारे में पता ही नहीं होता। आज डॉक्टर साहब, हम आपके साथ चर्चा करना चाहते हैं एपिलेप्सी यानी मिर्गी, जिसको कि हम आम भाषा में कहते हैं मिर्गी के बारे में। सबसे पहले डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहते हैं मिर्गी के दौरे को अगर किसी ने बेसिकली पता करना हो कि ये मिर्गी है या क्या है, उसकी पहचान क्या होती है? तो मिर्गी एक बड़ी कॉमन बीमारी है। आप ये समझ लीजिए कि एक भारत में तकरीबन 1.5 करोड़ लोग मिर्गी के दौरे से पीड़ित हैं। तो जानकारी ये लेनी है कि पहचाना कैसे जाए। कोई भी लक्षण अगर बार बार होता है, जिससे कि बेहोशी हो जाए जी अचानक, या कोई एक हिस्सा बदन का हिलना शुरू हो जाए, या आपको एक ही जगह पर कीड़ियां लड़ने की जैसी महसूस होना लग जाए, कभी कभी बच्चों में खास तौर से अचानक उनके सुध-बुध खो जाती है, वो कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहे होते हैं जिनके बारे में उनको पता नहीं होता। लोग देख रहे होते हैं जैसे उनका ध्यान ही नहीं है, क्लास में बच्चों को डांट पड़ती है कि बच्चे का ध्यान नहीं है, पर एक्चुअली होंठ हिला रहा होता है, मुंह बिना रहा होता है और उसको पता नहीं होता, और बाद में उसको याद भी नहीं होता उसने ऐसा कुछ किया हुआ है। कभी कभी जबान कट जाती है और पेशाब लैटरिन कपड़ों में हो जाता है। तो इस तरह के अलग अलग तरह के लक्षण होते हैं मिर्गी के दौरे में। पर खासियत ये है कि अगर किसी में ऐसे ही दौरे जी जिसके बारे में वो नहीं जानता या जानता है, तो वो बार बार एक जैसा होता है, तो वो मिर्गी के होने की संभावना पक्की होती है। दर्शकों, आपको समझ में आ जाएगा, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, कि सबसे पहला लक्षण जो डॉक्टर साहब ने बताया, इसके बाद डॉक्टर साहब कोई खास उम्र होती है मिर्गी के दौरों की, या किसी भी उम्र पे शुरू हो सकता? नहीं, किसी भी उम्र पे हो सकते हैं। अलग अलग समय में अलग अलग कारण है जी। एक दिन के बच्चे से लेकर 100 साल के आदमी तक को कभी भी हो सकता है, और पर जिस उम्र में होता है उसके हिसाब से हम उसके कारणों को डिटेक्ट करते हैं। ये फैलता किस तरीके से है मिर्गी? बेसिक कॉज क्या होता है मिर्गी के दौरे? मिर्गी का दौरा का, जैसे मैंने आपको बताया, ये उम्र के हिसाब से होता है जी। तो जैसे छोटे बच्चों में पैदाइशी नुक्स होते हैं जी, या बर्थ के समय में होने वाली कुछ अबनॉर्मेलिटीज हैं, खून की कमियां हैं या ब्लड शुगर का लेवल वगैरह कम हो जाए, तो उसके से दौरे पड़ते हैं। आमतौर पे ज़्यादातर मिर्गी के दौरे जो होते हैं वो यंग एडल्ट्स में होते हैं, और उसमें कोई कारण नहीं मिलता है। और उसके अलावा कुछ इन्फेक्शन भारत में ट्यूबरक्लोसिस, या जिसको आजकल कीड़े वाली बीमारी बोलते हैं न्यूरोसिस्टिसरकोसिस, इस तरह की बीमारियाँ दौरे का कारण हो सकती हैं। इसके अलावा उम्रदार ज़्यादा लोग होते हैं तो उसमें खून की ब्लड का सर्कुलेशन ब्रेन के अंदर कम हो जाए तो उनकी वजह से हो जाता है। कभी कभी खून की नस के फटने की वजह से, ट्यूमर की वजह से दौरे पड़ सकते हैं। पर अमूमन बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से दौरे हो सकते हैं, जिनको हम दो कैटेगरी में डाल सकते हैं, जिसमें कारण नहीं मिलता और जिसमें कारण मिलता है जी। और जिनमें कारण मिलता है उनका निवारण हम शायद कर सकते हैं, जिनमें कारण नहीं मिलता उनमें हम दवाओं के द्वारा उसको ट्रीट करते हैं। और वो ट्रीटमेंट लाइफ टाइम चलता रहता है? आमतौर पे ट्रीटमेंट लाइफ टाइम देने की जरूरत इसलिए हो सकती है कि हम नहीं चाहते हैं कि कोई रिस्क लिया जाए। ओके। पर कई बीमारियां, कई सारे दौरे इस तरह के होते हैं जिनकी एक लिमिटेड पीरियड होता है, कुछ समय के बाद वो ऑटोमेटिकली एज चेंज होने से या हार्मोनल चेंज होने की वजह से या डिजीज के हटने के बाद धीरे धीरे करके वो ठीक हो जाते हैं।
तो ऐसी स्थिति में दौरे की दवा की जिंदगी भर जरूरत नहीं होती, पर कई लोग उसको कंटिन्यू रखते हैं, क्योंकि अगर मान लो दौर आप एक एक्टिव लाइफ में हैं, गाड़ी चला रहे हैं या मेरे जैसे न्यूरोसर्जन ने ऑपरेट कर रहा है, तो वो रिस्क नहीं ले सकता कि ऑपरेशन के दौरान दौरा पड़ जाए, वो भी जाएगा और साथ में जिसके जो बिल्कुल चाकू के नीचे वो भी जाएगा बिल्कुल। तो कई सारे प्रोफेशंस में लोग इस तरह का रिस्क लेना चाहते हैं। मैं भी रिकमेंड करता हूँ कि आप चॉइस कर सकते हैं, लाइफ लॉन्ग लें या बीच में बंद कर। अभी जैसे हमने उसे बताया, दो कैटेगरी में हम इसको बांट सकते हैं, एक वो जिनका कोई कारण हमें पता चल जाता है और एक वो जिनका हमें कारण पता नहीं चलता लेकिन हम ट्रीटमेंट करते रहते हैं। तो जिनका कारण पता चल जाता है, जनरली ये क्या कारण हो सकते हैं कुछ पता चलता है, जैसे क्या वजह हो जाए या क्या ये इन्फेक्शन के थ्रू भी फैल सकता है, कम्युनिकेबल डिजीज़ है या नहीं है, कि किसी का कोई जूठा पानी ले लिया या जूठा खाने पीने से फैल जाता हो या ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैलता हो, ऐसी कोई बीमारी। जो जिनके कारण होते हैं उनमें से सबसे कॉमन कारण ब्लड के अंदर होने वाली खराबियां, जैसे ब्लड शुगर का ऊपर हो जाना, कम हो जाना, नमक का बढ़ जाना, घट जाना, इनकी वजह से, या किडनी की कोई खराबी हो, यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ जाता है उनकी वजह से, लिवर की खराबी, मतलब किसी भी तरह की मेटाबॉलिक कोई अबनॉर्मलिटी हो तो वो दौरा का कारण हो सकता है। अगर इनको हम करेक्ट कर देते हैं तो दौरा होना बंद हो जाएगा और ये दोबारा होने की संभावना कम रहती है। दूसरा, सर की चोट, सर के अंदर ट्यूमर या खून की नस का फटना या खून की नस का ब्लॉक होना, इस तरह के कारण हो सकते हैं। इनमें से कोई भी डिसीज ऐसी नहीं है जो कम्युनिकेबल हो। अच्छा। पर कुछ इन्फेक्शंस ऐसे होते हैं जो दौरे का के लक्षण के तौर पे प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि HIV में ऐसा हो सकता है, ट्यूबरक्लोसिस में हो सकता है, पर ब्रेन से होने वाला दौरा कम्युनिकेबल नहीं होता। अगर वो डिसीज बॉडी में और जगह पर होती है तो वो कम्युनिकेबल हो सकती है, पर दौरा एज सच कम्युनिकेबल डिजीज नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब, जब किसी को दौरा पड़ता है तो उस समय जो भी उसके आसपास है, अटेंडेंट है या दोस्त यार हैं, सबसे पहले अगर किसी को मिर्गी का दौरा पड़ गया तो क्या करना चाहिए? ये पेशेंट की लाइफ सेविंग की बात हो जाती है, अक्सर देखा गया है कि उनकी जवान कट जाती है, जानतों के बीच में जवान आ जाती है, कुछ ऐसा होता है जिससे देखने वाले भी ज्यादा घबरा जाते हैं एकदम से, जिसको पड़ा उसको तो कुछ पता ही नहीं उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन जो अगल बगल के लोग हैं वो ज्यादा कंफ्यूज जाते हैं। इस कंडीशन में करना क्या चाहिए? बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपने बहुत ही अप्रोप्रिएट क्वेश्चन पूछा। जब दौरा पड़ता है तो सबसे पहला काम ये करना चाहिए, आपको अपना पेशेंस दिखाना चाहिए और कुछ भी नहीं करना चाहिए। इसको हम बोलते हैं मास्टरली इनएक्टिविटी। आप हर चीज़ को समझते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है, क्योंकि दौरा एक सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन है, अपने आप आता है, अपने आप जाता है जी। उस समय हमारा सारा ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि उस मरीज को दौरे के दौरान कोई नुकसान ना हो जी। तो अगर वो गिरा हुआ है ज़मीन पे तो हम उसको साइड दिला देते हैं, जिससे कि कोई उल्टी हो, थूक आए तो सारा बाहर निकल जाए, उसकी सांस की नली को ब्लॉक ना करें, ठीक है, उससे कोई नुकसान ना हो। कोई चुभने वाली चीज़ उसके आसपास है, उसकी जेब में है, पेन है या कुछ चश्मा लगाया हुआ, तो उसको हटा सकते हैं जी। उसके अलावा गले में टाई पहनी हुई है, कॉलर है, गला फंस रहा है, तो उसको खोल दिया जाए। इसके अलावा कोई भी एक्टिविटी हमें नहीं करनी चाहिए, जीभ को अंदर करने की कोशिश, मुंह को पकड़ना, हाथ को पकड़ना, जैसे आपने पहले भी कहा था कि लोग चाबी और झूकर सुखाने जैसी चीज़ें करते हैं, कोई भी एक्टिविटी इस पे कोई असर नहीं करती, और जो भी कुछ आप करने की कोशिश करते हैं उससे मरीज को नुकसान होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो हमारे को ऐसी स्थिति में कुछ भी नहीं करना चाहिए, और आमतौर पर दौरा 2-3 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाता है। जब दौरा ख़त्म हो जाए तो वो नॉर्मल रिज्यूम कर लेता है, लेकिन कुछ लोगों में ये दौरा लगातार चलता रहता है जी, बिना होश आए दोबारा शुरू हो जाता है, दोबारा हो जाता है, या लगातार कई काफ़ी देर तक होश नहीं रहता और फिर दौरे होते रहते हैं। इस ये एक सीरियस कंडीशन है। ऐसी अगर स्थिति हो तो उसको एक ऐसे अस्पताल में ज़रूर ले जाना चाहिए जहाँ पर उसका इलाज, न्यूरो का इलाज संभव हो जी। बाकी लोगों में हमें और कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। दर्शकों, दो बातचीत से जो चीज़ निकल के आई उसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि पेशेंट को पहले कंफर्टेबल करिए, आसपास उसका हवा आती रहे उसको प्रॉपरली, उसको पासा दिलवा दीजिए, कहते हैं साइड दिलवा दीजिए, जिससे उसकी कोई सांस की नली ब्लॉक ना हो, उल्टी हो तो बाहर निकल जाए, कोई गंदगी उसके ऊपर ना पड़ी हो। अगर वो टाइट फिट महसूस कर रहा है, कपड़े टाइट हैं या कुछ ऐसी चोकिंग वाली चीज़ें हैं, आप उनको रिलैक्स कर दीजिए। मतलब ओवरऑल आपने पेशेंट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, उसकी सराउंडिंग्स को आपने कम्फर्टेबल करना है।
जिससे पेशेंट को दौरे के समय कोई दिक्कत ना आए। एक दो मिनट का दौरा है तो डॉक्टर साहब ने अभी आपके साथ बताया कि वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा और पेशेंट नॉर्मल रिज्यूम में आ जाता है, वापस रूटीन में आ जाता है। अगर दौरा लंबा पड़ जाता है, वो बार बार अनकॉन्शियस हो रहा है, दौरा आ रहा है, तो उसको इमीडिएटली किसी ना किसी अस्पताल पर ले जाइए जहाँ पर न्यूरो फैसिलिटीज़ हों, और उसका ट्रीटमेंट डॉक्टर से करने दीजिए बजाय इसके कि हम और आप उसका ट्रीटमेंट करें। डॉक्टर साहब, एपिलेप्सी कितनी खतरनाक बीमारी है? बिल्कुल खतरनाक बीमारी नहीं है। तो दर्शकों, एक जो हमारे मन में वहम होता है, डर होता है, कोई भी चीज तब तक खतरनाक है जब तक हमें उसके बारे में जानकारी नहीं है। HMC हॉस्पिटल और डॉक्टर व्योम भार्गव के साथ हमारी बातचीत जो चलेगी वो सिर्फ इसलिए होगी कि आपको बीमारियों की जो बेसिक्स हैं उनके बारे में पता चले। बीमारी कोई भी डरावनी नहीं होती अगर उसका सही इलाज हो और उसके बारे में सही जानकारी हो। तो हम डॉक्टर व्योम भार्गव के साथ निरंतर प्रयत्नशील रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे कि आपको बीमारी के बारे में सही जानकारी दी जाए, उसके ट्रीटमेंट्स, उसके बेसिक ट्रीटमेंट्स और प्रिकॉशंस क्या रखने हैं कि वो बीमारी ना हो। इसके साथ हर बार, हर हफ्ते हम आपके पास कोई ना कोई नई चीज़ और बातचीत के सिलसिले को लेके आएंगे। तो डॉक्टर साहब, आज आपने एपिलेप्सी के जो बारे में बातचीत करी, जो समय निकाला, जो हमारे दर्शकों को जानकारी दी, इसके लिए